सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये सिर्फ एग्ज़ाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये वीडियो आज जो हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे ये हमारी डे टू डे लाइफ में जो बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है विटामिन्स। जर्नल साइंस की ये सीरीज़ है। जो विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी में और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एंड असेंशियल होती हैं। मीन्स कि इनके होने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और अगर इनमें से किसी विटामिन की कमी हो जाए बॉडी में तो उसका भी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो कौन सी विटामिन्स किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या उनके सोर्सेज हैं, किससे आपको कौन सा विटामिन मिलता है, कितने टाइप्स होते हैं, कितनी सब कैटेगरीज होती हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या और उस टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में इस पे पूछे जाते हैं हमारे पास विटामिन से, तो आज हम इस वीडियो में ये करने वाले हैं सब कुछ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विटामिन्स। अब विटामिन्स मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे वर्क फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन्स हमें डिजीज से बचाती हैं, कुछ हमारे सोल्जर्स होती हैं, मतलब इन शॉर्ट हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ के सर्वाइविंग में। अब विटामिन्स की अगर बात करें तो डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। एक है फैट सॉल्युबल एंड सेकेंड वन इज़ वाटर सॉल्युबल। दोनों में मैंने दे रखा है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ए डी ई एंड के विटामिन्स हैं एंड वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी हैं। अब इसके अलावा जो ये फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हैं इसके अलावा इनकी सब कैटेगरीज होती हैं, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए फैट सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है। सॉल्युबल का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी में घुल जाती है, मीन्स कि डिसॉल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो उसको सॉल्युबल कहते हैं। फैट सॉल्युबल का मतलब जो विटामिन्स फैट मीन्स कि वसा में सॉल्युबल हो जाती है, उसमें घुलनशील होती हैं, उन्हें हम फैट सॉल्युबल कहते हैं। एंड जो विटामिन्स वाटर में सॉल्युबल होती है, पानी में घुल जाती है, उन्हें हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं। अब फैट सॉल्युबल में और वाटर सॉल्युबल में आपके पास डिफरेंस भी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, इवन इनके नाम भी पता होने चाहिए कि कौन सी वाली फैट सॉल्युबल में और कौन सी वाली वाटर सॉल्युबल में। फैट सॉल्युबल का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी विटामिन जो बॉडी में जो हमारी सेल्स फैट सेल्स होते हैं, जो फैटी सेल्स होते हैं जिसमें फैट स्टोर होता है, उनके अंदर ये स्टोर होती हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स कि एक छोटे टाइम के लिए वहाँ पे स्टोर हो सकती हैं, रह सकती हैं, और जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनमें ये चली जाती हैं। इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं ये एक हॉर्मोन्स की तरह फंक्शन करती हैं। वहीं दूसरी साइड अगर बात करें वाटर सॉल्युबल की, तो वाटर सॉल्युबल में इनको मीन्स कि वाटर सॉल्युबल जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है और ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती हैं। दूसरा जो हमारा ब्लड है लिक्विड फॉर्म में होता है प्लाज्मा, उसमें ये डिसॉल्व हो जाती हैं और अगर इनकी क्वांटिटी एक्सेस में हो जाए, मीन्स कि अगर हम ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो ये हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में या किसी भी वाटर सॉल्युबल के सब्सटेंस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाती है। इन शॉर्ट फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होती हैं ये बॉडी में ज़्यादा टाइम तक स्टे कर सकती है, रह सकती हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती हैं। अब इसके बाद में ये तो मेनली विटामिन्स हो गए, अब इनकी सब कैटेगरी देखिए। वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी विटामिन्स हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स दे रखे हैं। ये नॉर्मल है जो हम सबको पता होती हैं और ये इनके साइंटिफिक नेम है जो एग्जाम में बहुत बार ऐसे आते हैं हमें पता नहीं चलता कि कौन से विटामिन के बारे में पूछा गया है, तो इसे भी नोट करके और लर्न कीजिएगा। देखिए फर्स्ट है विटामिन बी1, इसे थायमिन कहते हैं।
सेकेंड वन इज विटामिन B2, इसे राइबोफ्लाविन कहते हैं। थर्ड वन इज विटामिन B3, इसे नायसिन कहते हैं। नायसिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। B3 इस पे क्वेश्चन आता है कि नायसिन कौन सी वाले विटामिन का नेम है या कौन सी वाले विटामिन का दूसरा नेम नायसिन है, तो इसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए। इसे विटामिन B3 कहते हैं। नेक्स्ट विटामिन B6, B5, B7, B9 एंड B12, तो ये कुछ विटामिन है। लास्ट है कोबलामिन, ठीक है। अब ये इनकी सब कैटेगरीज है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और हमें पता होना चाहिए वो ये कि इसके सोर्सेस क्या है। मीन्स कि हम मैंने अभी ऊपर आपको इतनी सारी विटामिन्स बता दी, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी विटामिन हमें किससे मिलती है, क्योंकि हम लोग डाइट में डेली ऑब्वियसली लंच डिनर ब्रेकफास्ट होता ही होता है हमारा, इसके अलावा कुछ स्नैक्स भी हम खाते हैं, तो अब हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि हमारी डाइट में कौन से वाले विटामिन प्रेजेंट हैं और किस टाइप से हम उनको ले रहे हैं। तो फर्स्ट है, हम सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब विटामिन ए की बात करें तो इसके जो सोर्सेज होते हैं, मिल्क, चीज, क्रीम, बटर, एग, लीवर, लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटोस, पम्पकिन, ये विटामिन ए के सोर्स हैं। देन विटामिन डी के सोर्सेज देखिए, एग योक, लिवर, फैटी फिश, सनलाइट। अब ये जो विटामिन डी के सोर्सेज है, इसमें सबसे पहले मैंने आपको एग योक दे रखा है। एग योक का मतलब क्या है, जो एग में एग जो लिक्विड फॉर्म में होता है, हमने देखा होगा उसमें येलोइश कलर का एक पार्ट होता है। एग में सबसे ज्यादा लेवल पे फैट एंड कोलेस्ट्रॉल होता है और हाफ ऑफ द प्रोटीन आपको एग योक से मिल जाता है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर फैटी फिश की बात करें, फैटी फिश का मतलब हो गया जो ऑयली फिश होती है जिसमें ओमेगा 3S बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा फैटी फिश के अलावा कॉड लीवर ऑयल भी, ये एक थिक येलो कलर का सब्सटेंस होता है, इसको स्पेशली एज अ मेडिसिन मतलब दवाई की एक फॉर्म में इसे चिल्ड्रंस को दिया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये दिया जाता है, बिकॉज ऑफ ये फुल ऑफ विटामिन डी एंड ए होता है कॉड लीवर ऑयल। नेक्स्ट है विटामिन ई, सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन सीड ऑयल, मतलब जो कॉटन सीड है उसके ऑयल की बात हो रही है यहाँ पे। होल ग्रेन में जो अनाज के प्रोडक्ट्स हैं, अनाज है लाइक बाजरा, ये सब गेहूं, ये सारी चीजें, नट्स एंड सीड्स, उसके अलावा लिवर, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, तो ये सारे सोर्सेज होते हैं विटामिन ई के। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन के। लास्ट वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के। इसमें आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली एंड स्प्राउट्स एक्सेट्रा। इसके बाद में आते हैं हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें फर्स्ट है थायमिन, जिसे विटामिन B1 कहते हैं। इसमें जो है होल ग्रेन है, एनरिच्ड ब्रेड्स हैं, सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, नट्स एंड सीड्स हैं। सीरियल्स का मतलब जितनी आपकी दालें हो गई इस टाइप की, और लेग्यूम्स का मतलब होता है फली, फली जैसे पी मटर की होती है या फिर बीन्स जो होती हैं, तो इन्हें लेग्यूम्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें विटामिन B1 के सोर्स होते हैं। सेकेंड वन इज राइबोफ्लाविन विटामिन B2, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एनरिच्ड ब्रेड्स एंड सीरियल्स। अब ये जो एनरिच्ड ब्रेड का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं, वो वाली ब्रेड, मींस की जो फ्लोर है, आटा है, उसके अलावा जो चीजें हैं इसमें हमारी मल्टीग्रेन चपाती भी आती हैं, जैसे विंटर्स में मक्के की रोटी खाई जाती है, तो काइंड ऑफ ये सारी चीजें आपके विटामिन B2 का सोर्स हो गई। नेक्स्ट है नायसिन विटामिन B3, इसमें आते हैं मीट, पोल्ट्री, फिश, वेजिटेबल्स, स्पेशली मशरूम्स एंड लीफी पीनट बटर। अब इसमें देखिए मीट सबको पता है, पोल्ट्री का मतलब हो गया कि जो चिकन या फिर डक इस टाइप के जो एग देने वाले बर्ड्स हैं उनका जो मीट है, ठीक है वो, या फिर फिश आप सबको पता है कि प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। उसके अलावा वेजिटेबल्स, उसमें स्पेशली मशरूम्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, इसके अलावा पीनट बटर, ये सारी चीजें हमें विटामिन B3 देती हैं, तो ये विटामिन B3 के सोर्स है। नेक्स्ट वन इज फोलिक एसिड, इसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं लाइक स्पिनच, मेथी, ये सब चीजें। इसके अलावा लेग्यूम्स, एज आई टोल्ड यू, लेग्यूम का मतलब फलियां होती हैं, मटर या फिर बीन्स। उसके बाद में सीड्स हैं, ऑरेंज जूस है और लिवर है। नेक्स्ट वन इज कोबलामिन विटामिन B1-2, इसमें है मीट, पोल्ट्री, फिश, सी फूड, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।
बट कोबलामीन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है लर्न करना क्योंकि ये एक ऐसी विटामिन है जिसमें जो हमें किसी भी प्लांट प्रोडक्ट से या प्लांट फूड से नहीं प्रोवाइड होती, ये सारी ये कोबलामीन हमेशा हमें नॉन वेज फूड से ही मिलता है, तो इसमें प्लांट प्रोडक्ट्स कोई भी अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का सोर्स है। अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है उसमें आपने बहुत बार सुना होगा कि विटामिन सी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें हम लेमन ले रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें जो हमें बोली जाती हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम कोविड कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। तो इसलिए विटामिन सी में देखिए फर्स्ट है ओनली इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है जो पानी वाले और थोड़े से खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोस, पोटेटोस, पपाया, मैंगो एंड कीवी फ्रूट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके विटामिन सी के। इसमें कोई भी सोर्स आपका नॉन वेज नहीं आता, विटामिन सी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से स्पेशली मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीज। अभी हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या क्या उनके सोर्सेज हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि इन केस अगर हम वो विटामिन्स डाइट में नहीं फॉलो करते हैं, नहीं ले पाते हैं या फिर उनकी कमी हमारी डाइट में रह जाए तो फिर हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या डेफिशिएंसी हमें उन विटामिन्स की वजह से हो सकती है। अब डेफिशिएंसी स्टार्ट करने से पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी या कमी आ जाना हमारी बॉडी में हमारी एक दिन की डाइट पे डिपेंड नहीं करता है। ये तब होता है जब आप बहुत लंबे टाइम तक उस विटामिन को अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं, आपकी बॉडी में वो इतने लंबे टाइम से नहीं जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के किसी ना किसी पार्ट पे दिख जाता है और डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स की कमी से डिफरेंट डिफरेंट आपके ऊपर डिजीज आती हैं, बीमारियां होती हैं और फिर उसका आपको सिम्टम भी अलग अलग ही होता है। तो अभी हम वही पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले दे रखा है डेफिशिएंसी डिजीज में विटामिन ए। यहाँ पे 1 से लेके 11 तक मैंने विटामिन्स का पूरा चार्ट बना दिया है, उसके सामने आपकी डेफिशिएंसीज लिखी हुई है। इसमें से ये सारी इम्पॉर्टेंट है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉमन है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो प्लीज़ इन्हें लर्न कीजिएगा और इनकी डिजीज के सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, इनका क्योर पता होना चाहिए कि हम अगर ये हो जाए तो हम इसको कैसे बच सकते हैं, इसमें जो विटामिन सामने लिखा है इसमें इसको अपनी डाइट में फॉलो करके हम कैसे इनसे ओवरकम कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज विटामिन ए। इसमें दे रखा है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। फर्स्ट में देखिए विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको रात को देखने में प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि रात को सनलाइट तो होती नहीं है, अंधेरा हो जाता है तो उस टाइम पे देखने में प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम दो टाइप से हो सकते हैं, या तो थोड़ा बहुत ब्लर दिखता हो, धुंधला दिखता हो, या फिर बिल्कुल ही नाइट विजन खत्म हो गया है। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से। सेकेंड वन इज विटामिन बी वन। विटामिन बी वन से जो डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज है, उसका नाम है बेरी बेरी। जो बेरी बेरी डिजीज है इसका मतलब इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि हाथ या पैर बॉडी में सुन पड़ जाते हैं। सुन पड़ जाने का मतलब नंबनेस आ जाना कि आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। उसके अलावा ये जो विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी है या जो बेरी बेरी जो ये डिजीज है, ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में हार्ट एंड लंग्स को इफेक्ट करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं बेरी बेरी के, ड्राई एंड वेट। अब इसके अलावा जो बेरी बेरी में होता है पैरालिसिस हो जाती है बॉडी लोअर लेग्स पे, ठीक है, मतलब कि बॉडी में मूवमेंट खत्म हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो बेरी बेरी का रिस्क रेट होता है कि किन लोगों पे इसके ज्यादा इफेक्ट देखे जा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले ओल्डर पीपल्स आते हैं जो बहुत ज्यादा जिनकी एज हो जाती है या फिर उनमें पहले से किसी टाइप की वीकनेस है और उसके बाद में उनमें इस विटामिन बी वन की कमी हो गई तो उनको ये रोग हो जाता है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिन जो मधुमेह के पेशेंट्स होते हैं, उसके अलावा थर्ड वन इज एचआईवी। जो एचआईवी से पॉजिटिव होते हैं उनको भी बेरी बेरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज विटामिन B6, एनेमिया। ये आपने बहुत बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब इस बीमारी में होता ये है कि जब हमारे ब्लड में RBCs कम रह जाती हैं या फिर जो हेल्दी RBCs होती हैं वो कम हो जाती हैं। RBC का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स।
इस वीडियो के बाद ना मैं आपके लिए ब्लड वाले टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगी, तो आपको कोई भी डाउट होगा कि प्लाज्मा क्या है, आरबीसीज क्या है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, लाइफ कितनी होती है, तो ये सारे डाउट्स आपके उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अब एनीमिया में मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसीज जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, वो हेल्दी लेवल पे उनकी अमाउंट कम हो जाता है। उसके अलावा या तो बॉडी में एबिलिटी खत्म हो जाती है और हेल्दी आरबीसीज को बनाने की, या फिर कोई ऐसी बीमारी हमारी बॉडी में आ जाती है जिसकी वजह से जो पहले से आरबीसीज होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो किल होने लग जाती है, मींस कि वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। अब नेक्स्ट विटामिन जो आता है आपका विटामिन सी है, इसमें स्कर्वी या फिर स्वेलिंग ऑफ गम्स होते हैं। अब जैसे कि हमारे दांत हैं, मसूड़े हैं, स्पेशली जो मसूड़े होते हैं उनमें जब सूजन आने लग जाए या फिर आपको मतलब ब्रश करते वक्त आपके टीथ से ब्लड आने लग जाए, तो इस टाइप की जो डेफिशिएंसी होती है वो विटामिन सी की वजह से होती है। इसके अलावा इसके स्कर्वी के सिम्टम्स होते हैं कि थोड़ी बेहोशी फील होना या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है आपको, फीवर है, ब्लीडिंग हो रही है उसे, या फिर दांतों में कमी आने लग गई, दांत गिर गए हैं, तो फिर दोबारा से एक एज के बाद में आते नहीं है वो। इसके अलावा रैशेज या फिर रेड स्पॉट्स हमारी बॉडी पे हो जाते हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं विटामिन सी के। नेक्स्ट इज विटामिन डी, इसके लिए रिकेटस होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेटस होता है। अब इसमें होता क्या है, ये स्पेशली होता है चिल्ड्रंस में जिनकी बोन्स में वीकनेस आ जाती है। आपने देखा होगा जैसे पोलियो पेशेंट्स भी होते हैं, इस टाइप से जो वीकनेस आती है बॉडी में, बोन्स में स्पेशली, कि आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हैं या फिर आपके को थकान हो जाती है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो किस लिए होती है, जब कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी बोन्स में। और ये स्पेशली कहाँ देखा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर यूरोप में, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो विटामिन डी है उसके मैंने आपको सोर्सेज तो लिखवाए दिए, उसके अलावा विटामिन डी का जो हमें सबको ही पता होता है वो ये कि जो सनलाइट है उस टाइम पे हमारी बॉडी में विटामिन डी बनने लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है विटामिन के, नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड का मतलब है कि जब आपको थोड़ी बहुत चोट कहीं से लग जाए और उस टाइम पे आपका जो ब्लड है ऑटोमेटिकली उसको जमाने लग जाए, आपका ब्लड जो है ऑटोमेटिकली जमने लग जाए, तो उसे ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, वो विटामिन के की वजह से होती है। बट अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपका वो खून बहना रुकता नहीं है और वो नॉन स्टॉप बहता जाएगा, वो खून इकट्ठा होकर टाइट नहीं होता है। तो ये कुछ विटामिन से और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज थी कि कौन सी बीमारी के क्या सिम्टम्स है, किस टाइप से हो जाती हैं। तो अभी आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारे लिए जो विटामिन्स हैं उनको अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे लेना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके कुछ मिनरल्स हैं जो हमने विटामिन्स पढ़े, इन्हीं के ही अंदर ये आते हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको कैल्शियम, सेकेंड वन इज आयोडीन एंड थर्ड इज आयरन। ये हमारे मिनरल्स हैं, ये इनकी डेफिशिएंसी डिजीज है जो बहुत ही नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कैल्शियम का मतलब है बोन एंड टूथ डिके। अब जो कैल्शियम की कमी किस में होती है, या तो दांतों में हो जाती है या फिर हड्डियों में, और इसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस हो जाती है। नेक्स्ट वन इज आयोडीन, आयोडीन की कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो गॉइटर है। इस पर बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गॉइटर का मतलब होता है घेंगा रोग। इसमें जो हमारी नेक है उसके नीचे थोड़ा सा पोर्शन आपका स्वेल हो जाता है, सूजन आ जाती है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट इज आयरन, आयरन की वजह से एनेमिया होता है, कमी की वजह से सॉरी एनेमिया होता है जिसमें वीकनेस आ जाती है। और मैंने आपको विटामिन B6 जब पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको एनेमिया का बताया कि क्या होता है और क्या इसमें इम्पोर्टेंस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब इसकी जो इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा विटामिन्स का, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सी विटामिन्स पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और जो इसमें जो चीज़ें बच गई हैं वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट किया कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।